मन में ओम बसा ले। परम पूज्य गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ओम। हम सभी देशवासियों के साथ साथ समूचे वैश्विक जनों के जीवन में संपूर्ण आरोग्य की ज्योत जलाकर उनके जीवन में शांति, करुणा, मुदिता, शुचिता के भाव के साथ सुरक्षितता, आनंद, उत्साह प्रदान करने वाले योग महर्षि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सारा संसार पूज्य स्वामी जी महाराज के न भूतो न भविष्यति ऐसे महान कार्य को, ईश्वरीय कार्य को कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करता है, उन्हें त्रिवार वंदन करता है। हमारे संस्थान के ग्रामीण भारत को समृद्धशाली व बलशाली बनाने के इस महाअभियान के आज के द्वितीय योग सत्र के दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य अधिकारी गण, सीजीएम डॉक्टर आर्यन कुंडू जी, सीजीएम सीट डिवीजन डॉक्टर रणवीर सिंह धूल जी, डॉक्टर शुक्ला जी, हरिपाल यादव जी, श्रीवास्तव जी, विजेंद्र मलिक जी, इंजीनियर सत्यवीर सिंह यादव जी, विजय शर्मा जी, अफजल खान जी, अशोक पाल जी और पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मलिक जी। अपनी योग विद्या से, जीवन विद्या से हमें अनुग्रहित करने की प्रार्थना के साथ मैं मंच समर्पित करता हूँ पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में। ओम। गायत्री आदि मंत्रों का श्रद्धापूर्वक अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए योग का प्रारंभ करेंगे। योग के समय और अभ्यास पूर्वक हर समय यदि हम भगवान की शरणागति में रहते हैं तो हमारे जीवन में एक समरसता बनी रहती है, आनंद बना रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है। अज्ञान और अहंकार से सब प्रकार के दुखों से हम दूर रहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान की शरणागति, मनमना भव मद्भक्तो मदियाजी माम नमस्कार। लंबा गहरा श्वास, ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का जप करते हुए कि हे प्रभु, आप ही सब ज्ञान, सब प्रेरणा, सब प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, शांति, समृद्धि, सब ऐश्वर्यों के आधार आप ही हैं, प्रभु आपकी शरण में रहूं। ओ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिरगमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब क्रियात्मक योग साधना में आज आपको सबसे पहले मोटापा के लिए अभ्यास कराते हैं। पैरों को सामने खोल लेंगे। कल आपको बेसिक एंड इंक्लूसिव योग पैकेज हमने दिया, मूलभूत समग्र योगाभ्यास का अभ्यास क्रम आपको कल हमने बताया था। अब आज बैठकर के तीन अभ्यास, खड़े होकर के चार, उल्टे लेट करके दो, फिर सीधे लेट करके पांच, ऐसे अभ्यास करवाएंगे। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लेना, एक लयबद्धता बनी रहे, आगे पीछे ऐसे पूरा जाना, इससे शरीर का आरोग्य भी बहुत अच्छा रहेगा। लंबे लंबे श्वास और एक लयबद्धता के साथ करना। ये करते हुए कुछ खास बातें बताएंगे। कल हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, कारण कार्य संबंध। मोटापा है तो मोटापा का कोई कारण भी होगा, तो मोटापा का एक बड़ा कारण है बॉडी का मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना, लंबे लंबे श्वास ऐसे आगे पीछे पूरी जाना। ये माताओं बहनों को भी दो तीन मिनट से लेकर के पांच मिनट करना चाहिए। वैसे किसी भी अभ्यास का कालखंड समय एक दो मिनट से लेकर के पांच मिनट तक का हम हमेशा बताते हैं, चाहे वो मोटापा के लिए हो, चाहे डायबिटीज के लिए हो, चाहे शुगर के लिए हो। ये तो हो गया योगाभ्यास में जो व्यायाम आसन आदि की जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए। प्राणायाम में तो पांच मिनट से लेकर के हम आधा घंटे तक भी करवाते हैं, और अति विशेष परिस्थितियों में एक एक घंटा भी कपाल भाति अनुलोम विलोम कराते। कर लो कर लो कर लो जरा ऐसे। कुछ तो इसमें भी ना, बोले हम तो मोटे हैं ही नहीं, हमें क्या जरूरत। तो मोटे नहीं हो तो तगड़े हो जाओगे थोड़े। योग बैलेंस करता है, जैसे मैंने कल बताया था ना, योग और योगी का काम है, एक सूखी नदी है, एक ऐसी नदी जहां बाढ़ आती है, दोनों नदियों में पानी बराबर बहता रहे। पैरों को सामने खोल लो ऐसे। लंबे लंबे श्वास। जो माँ बहन बेटियां ये दोनों अभ्यास करेंगी, उनका यूट्रस, ओवरी और पुरुषों का
प्रोस्टेट, पेट, पीठ एकदम ठीक रहे, सबके लिए जरूरी है, खाली मोटापा के लिए नहीं। तो मोटापा एक कारण मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना, मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने के पीछे कारण जेनेटिक भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, ज्यादा खाना भी हो सकता है, कम एक्सरसाइज हो सकती है, कोई दवाई भी हो सकती है, किसी दवा आदि से रिएक्शन हो गया, किसी भी कारण से मोटापा हो, ये जो आज अभ्यास बता रहे हैं इनको किया जाए तो शरीर एकदम फिट रहेगा। सब चाहते हैं हम स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक दिखें, स्वास्थ्य सुंदरता शक्ति समृद्धि संपन्नता सफलता सुख, ये सबकी चाहत, ये कॉमन डिजायर है, मूलभूत व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो यही है। पैरों के सामने मिला लीजिए, सब कैसा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ स्वस्थ रहे, सुंदर दिखे, सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, सफल होकर के जीवन को जिए। और योग से सारी चीजें मिलती हैं, स्वास्थ्य शक्ति सुंदरता सफलता सुख समृद्धि। क्यों? क्योंकि योग जो है हमारी मूलभूत चेतना को पूरी तरह से जागृत कर देता है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और कोशिश करेंगे माथा घुटनों से लग जाए, करो आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ, ऐसे 10-20 बार कर लेना। चलिए कितने अभ्यास हो गए, चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन। अब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो करके एक तो त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पाद हस्तासन, फिर तिर्यक्ताड़ासन, ये बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। आजकल पूरे देश में हमने मोटापा मुक्ति अभियान चलाया हुआ, उसके लिए शिविर लगाए हुए, एक हाथ नीचे धीरे धीरे, पहले टखने के पास, पहले घुटने के पास, फिर धीरे धीरे टखने के पास, लंबे लंबे श्वास, इसको भी 10-20 बार से प्रारंभ करके 50-100 बार तक ऐसे कर सकते। फास्ट कीजिए, फास्ट करने पर भी हथेली का रुख ऊपर जो हाथ रहता है नीचे की ओर, कोहनिया सीधी, और जितना अधिकतम साइड में झुक सकते हैं उतना झुकना चाहिए, और एक रिदम के साथ करना चाहिए। अब देखो आप 2-5 बार करते हो फिर खड़े हो जाते हो ऐसे, थोड़ा तो कर लो भाई। माने हर समय आदमी के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई है वो है अकर्मण्यता की, आलस्य की। तीन चीजें छोड़ देना, इनएक्शन, रोंग एक्शन और रिएक्शन। क्या बोला? इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन। अब क्रॉस करके लंबा श्वास और
करो लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे 10-20-25-50-100 बार तक कर सकते हैं जो मोटे हो। अब कुछ तो इतना शॉर्टकट अपना रहे, बस ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे मक्खी सी उड़ा रहे, ऐसे थोड़ा तरीके से करो। लंबे श्वास, पीछे झुके तो श्वास, अंदर आगे झुके तो श्वास। वाह, कोशिश करें, प्रयत्न करें, माथा घुटनों से लग जाए। इसको भी 10-20-25-50-100 बार तक करना है। अब अगला अभ्यास, वैसे मोटापा कम करना हो तो दौड़ सकते हैं, सुबह 4-5 किलोमीटर दौड़ लो, शरीर में शक्ति भी रहेगी और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ना मोटापा ना दुबलापन। श्वास छोड़ के साइड में चलेगी, श्वास भरा एक बार फिर छोड़ दिया। लंबे लंबे श्वास, एक ही नियम सभी अभ्यास करते हैं, लंबे लंबे श्वास। जहां दौड़ने के लिए स्थान हो वहां दौड़ लेना, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे कर लेना, बॉडी को वार्म अप कर लेना है, इससे शरीर हल्का हो जाता है, ऊर्जा आ जाती है, उत्साह आ जाता है। चलिए आप उल्टे लेट जाइए, उल्टे लेटेंगे। मोटापा कम करने के लिए, खास करके तौंद बढ़ी हुई है ना जिनकी, किसी की बीवी मोटी है, किसी के हस्बैंड मोटे हैं, और कहीं कहीं तो माता पिता मोटे मोटे और बच्चे तो फिर उनसे भी एडवांस होते हैं, बहुत खराब लगता है। लंबे श्वास, तौंद बढ़ना बड़ा खतरनाक है। लंबा श्वास भर के ऐसे उठाया और ऐसे देखा ऊपर की ओर, बाप की बार तो जोर से किया आपने, ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ के थे, ये मोटापा के लिए बहुत जरूरी है। लंबा श्वास, एक दो बार तो ऐसे धीरे धीरे करना। हथेली पर हथेली, दोनों पैर पीछे पास में, पैर पीछे पास में, पैरों के पंजे मिला लो पीछे से, श्वास अंदर भर के सामने से उठाओ। ऐसे पहले एक दो बार तो धीरे धीरे करना और बाद में फिर तेजी से। फिर तेजी से करो, कुछ समझ में आया, कुछ जोर भी पड़ा? बोले बाबा थक गए, थक गए तो आराम कर लो थोड़ा।
योग का और जीवन का एक मुख्य सिद्धांत, आप दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा लीजिए। जो काम करे दिल लगा के करे, मन लगा के करे, इसी को एकाग्रता बोलते हैं योग में। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की पांच अवस्थाएं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया। जो काम करें एकाग्र होकर के करें, मन लगा के करें, एक एक पैर को ऐसे पीछे से उठाना, और उच्च रक्तचाप हृदय रोग हर्निया कमर में दर्द कमजोरी नहीं है तो दोनों पैरों को ऐसे पीछे से उठा सकते हैं, दोनों को एक साथ भी उठा सकते हैं। घुटने नहीं मोड़ना, कुछ ऐसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ये उठाया का ये तो मोड़ दिया आपने, सीधे सीधे उठाइए, ये जोर पड़ता है। आप सीधे लेट जाइए, सीधे लेट करके पांच अभ्यास, 14 अभ्यास हो जाएंगे, इसमें मुख्य 12 है, अंत में मरकटासन और सवासन तो वो विश्राम के लिए है, रिलैक्सेशन के लिए है, वो भी जरूरी है। श्रम और विश्राम ये तो क्रम है जीवन का। अब सबसे पहले एक एक पैर को उठाइए, नीचे लेके आइए, जो स्वस्थ हो दोनों पैरों को उठा लीजिए। अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से करना है, ये दोनों पैरों से हो गया, उठाना नीचे लेके आना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से करना, जिसमें जैसा सामर्थ्य वैसे कर लेना, एक एक किया दोनों पैरों से, लंबे लंबे श्वास। जिस काम को भी मन लगा के करेंगे उसमें क्या मिलेगी, प्रसन्नता। प्रसन्नता सुख किसमें मिलता है, इसको लेकर के बहुत प्रकार का चिंतन चलता है। यह है क्या सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद, जिसको सब पाना चाहते हैं, जो सबकी तलाश है, सबकी खोज। जहां मन टिक जाएगा, जहां मन लग जाएगा, मन ठहर जाएगा, और इससे आगे और जाकर के इसका विश्लेषण करते हैं तो फिर जहां हम मन के पार चले जाते हैं, जहां मौन हो जाते हैं, नीरवता में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, जड़ता में नहीं, शून्य जैसी एक स्थिति होती है जहां अपना स्वरूप है, जहां अपनी निजता है, जहां अपनी पूर्णता है, यहां सुख। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाइए, जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसको समझ में आ गया फिर समझ लो उसको जीवन ही समझ में आ गया। जिस काम को हम मन लगा के करते हैं वहां हम सुखी हो जाते हैं, वहां हम शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। एक अधूरापन, एक कमी सी हमें खलती रहती है जीवन में किसी न किसी प्रकार की, और उस कमी को हम बाह्य सत्ता से, संपत्ति से, सम्मानों से, भौतिक सुखों से और मात्र बाह्य संबंधों से पूरा करना चाहते हैं। जब हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में उतर जाते हैं तो अपने भीतर और बाहर भी जो सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और संबंध है उनमें भी एक पूर्णता की अनुभूति करते हैं। यह है ऊंची अवस्था, अपने स्वयं में भी, अपने भीतर स्वयं में भी पूर्णता और इस सारी समष्टि में, सृष्टि में भी पूर्णता का अनुभव करना, ये है जीवन का सच्चा सुख। लो
लंबा गहरा सांस भर के एक एक पैर से बड़ा सन्न बनाना दाएं के बाद बाएं पैर से, ऐसे बड़ा सन्न बनाना क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पूरे गोलाए में घुमाना। तो हर काम को कैसे करना है बोलो, जोर से बोलिए, मन लगा के करना है, दिल लगा के करना है। बच्चों से शुरू करता हूं, पढ़ने पढ़ाने से लेकर के खेती बिजनेस व्यापार व्यवहार से लेकर के संसार के समस्त कामों को जो भी करने, कला संगीत साहित्य से लेकर के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से लेकर के, अब लास्ट ये मोटापा के लिए खास 12 अभ्यास हैं, फिर मरकटासन और समासन मिला के 14 हो जाएंगे। करो करो करो, ये लंबा लंबा श्वास एक एक पैर से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज अथवा दोनों पैरों से, हर काम को मन लगा के करना है। और मन लगा के काम को करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे, यही योग है। सब बोलिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। ये योग है जहां हम अपने स्वरूप में जीते हैं, अपनी निजता में, जहां सब प्रकार की पूर्णता है, ये योग है। फिर भोग क्या है, बोले वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब ये तो 12 अभ्यास हो गए मोटापा के लिए, इसी के दो पूरक अभ्यास हैं, 14 अभ्यास हो जाएंगे। मरकटासन ये कमर के लिए बहुत जरूरी है, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए अब घुटनों से, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर। और जरा मेरी बात को सुनना, भोग और योग में क्या अंतर है, सबको योगी बनना है कि भोगी और रोगी, जोर से बोलो, योगी बनना है, रोगी कोई नहीं बनना चाहता। जो होगा योगी वो नहीं होगा रोगी, और जो होगा रोगी वो नहीं हो सकता योगी, ये उल्टा है मामला। रोग और योग का बैर है जैसे अंधेरे और उजाले का, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो ये भोग क्या है, जो मन में भाव उठा जो उसमें बह गया वो भोगी, बह गया वो भोगी। बहना नहीं, बहकना नहीं, बर्बाद नहीं होना, जो बह गया, जो बह गया वो बर्बाद हो गया। तो योग क्या है, अपने स्वरूप में ठहरना। और भोग क्या है, भोग है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो मन में उठा उसी में बह गए। आत्मानम रिथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तसारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयासेषु गोचरान् आत्म इंद्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। दोनों घुटनों में पंजों में फासला, दूसरा अभ्यास मरकटा। आत्मा मालिक है, ये जीवन रूपी गाड़ी चली जा रही है, एक्सीडेंट ना हो जाए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी सबको पता है, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं फिर भी बोलते रहे तोतों की तरह। देखो ये आत्मा इस शरीर का मालिक है, स्वामी है, इस पर इस शरीर रूपी साधन के द्वारा अपने साध्य गंतव्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने वाला आत्मा वो मालिक है। आत्मानम रथिन विद्धि, शरीर रूपी रथ है, बुद्धि रूपी सारथी है इसमें, और मन की लगाम है, इंद्रिया रूपी घोड़े हैं जो विषय रूपी पथों पर दौड़े जा रहे हैं। आत्मा
इंद्रियों से और मन से युक्त है, वो जैसा करेगा वैसे भरेगा, वही भोक्ता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, पैर सीधे कर लीजिए। इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन में चलना है। दाएं पैर को उठाइए, बाएं तरफ ले जाइए। ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, ये भी बात अच्छा है, इसको भी करो, 5-7 बार कर लो। बॉडी अपसेट हो रखी है ना, बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, लाइफ अपसेट है, करो, पूरा सब कुछ सेट हो जाएगा। ये अंत में अब शवासन, थोड़ा सा विश्राम, सहजता के साथ ऐसे योगाभ्यास करना। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का। काम करो तो ऐसा कि पूरी ताकत झोंक दो उसमें, ता आपकी ही व्यवस्था, आपकी महिमा, आपका ही विधान चारों ओर काम कर रहा है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवायः विश्वं देवा विश्वाः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यत इन्द्रस्य यज्ञः। सारी सत्ता आपकी, सारी व्यवस्था आपकी, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य आपका प्रभु, सारे सुख भी आपसे हैं, सारे संबंध भी आपसे हैं प्रभु। मूर्त भी आप ही हो, अमूर्त भी, प्रत्यक्ष परोक्ष भी, व्यक्त अव्यक्त, दृश्यादृश्य, सगुण साकार, निर्गुण निराकार प्रभु आप ही आप, तो ही तो प्रभु, तो ही तो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, प्रभु तो ही तो, तो ही तो। ऐसे भगवान की शरणागति में रहना। ये 12 अभ्यास मुख्य रूप से मोटापा के लिए, और मरकटासन और ये शवासन रिलैक्सेशन के लिए। ये 14 अभ्यास जो कर लेंगे उनको मोटापा नहीं रहेगा। अब इसके अलावा अब जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे और अभ्यास भी कर सकते हैं। जो जवान है वे सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्थानासन, शीर्षासन, और जिनकी उम्र अधिक हो गई है वो तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेंगे तो ही उनका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, स्वस्थ सुखी बन जाएगा। चलिए अभी अगले अभ्यास करा देते हैं। सर्वांगासन करेंगे एक बार, फिर हलासन, फिर चक्रासन। जिनसे ना हो पाए वे अपना थोड़ा विश्राम कर लेना, या भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना धीरे धीरे। ऐसे 1-2 मिनट से प्रारंभ करके इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है, फिर पैरों को पीछे टिका दें। जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करना। चक्रासन कर लेना, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखे, दोनों पैर पास में और पीछे उठा दिए। जवानों के लिए, युवाओं के लिए और जो स्वस्थ है उनके लिए अच्छे हैं सब अभ्यास। जिनकी उम्र कम है वे अच्छा कर रहे हैं, गुरुकुल की हमारी बेटी अभी अच्छा कर लेती क्योंकि उनका शरीर अभी फ्लेक्सिबल है, कम उम्र में शरीर काफी अच्छा रहता है। अब पश्चिमोत्थानासन कर लीजिए, दोनों हाथ उठाइए साइड से और आगे झुक जाइए और माथा घुटनों से लगाइए, कीजिए
देखो तो कितने आप झुक पाते हैं या आकड़ ज्यादा ही बढ़ गई है। आगे झुको, लगाओ। किसी किसी की तो अभी डेढ़ डेढ़ दो दो फीट का फासला है। शीर्षासन भी बहुत अच्छा रहता है। पहले तो बड़े बुजुर्ग किया करते थे, बीच में छूट गया था, फिर हमने याद दिला दी, भाई ये बहुत अच्छा। हमारे पूर्वज सब योगी थे, भाई अध्यस्त हैं वो अच्छा कर रहे हैं। व्यायाम में आपको 12 दंड 8 बैठक योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार सब बता रखा है। सब ना हो पाए एक तो कर लिया करो। देखो ऐसे बैठो, इस शरीर को जितना काम में ले लोगे उतना ठीक है, नींबू की तरह जितना निचोड़ लोगे उतना ही ठीक है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए शरीर पर दया मत किया करो कुछ ना, शरीर को ऐसे मतलब बिल्कुल आराम तलबी में रखते हैं, मतलब पपोल पपोल के रखते हैं, माने नहाएंगे भी ना तो ऐसे स्नान करेंगे, खा पी करके भी पेट के ऊपर हाथ फेर के स्नान करने के बाद कपड़े से पूछते हैं तो रगड़ के नहीं पूछते, ऐसे पूछेंगे, अरे भाई शरीर को रगड़ के रखो। कल बताया था ना 12 दंड 8 बैठक, चलो आज एक ही कर लो। ऐसे ये करो सब, 100 बार तक करते ही रहो। बार नहीं तो 10 बार से शुरू तो करो। अब ज्यादा ही ताकत हो, देखो पैर ऐसे बीच में नहीं लाना, ऐसे फास्ट करना हो तो ऐसे थोड़ा सा बताया, चलो बटरफ्लाई कर लो, ये तो हो जाता है, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर ले। देखो अब गंभीरता के साथ आपको प्राणायाम ध्यान भी कराएंगे और जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे। बात समझ में आ जाए तो ठीक, हमारा काम है खुद योग के रास्ते पर चलना, औरों को चलाना, सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर भगवान के मार्ग पर चलना, औरों को भी सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर भगवान के मार्ग पर वेद के मार्ग पर चलाना, खुद पुरुषार्थ करना और औरों को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करना। एक ये भी बहुत से लोगों के दिमाग में वायरस घुसा हुआ, बोले मैं ठीक हूं ना, मुझे औरों से क्या। अरे तुझे औरों से क्या, ये सोच ही गलत है।
हमारा ये जो जीवन है ना, ये एकांगी है ही नहीं, अकेले से कुछ नहीं भैया। हमारी पैदाइश हुई है माता पिता के सहयोग से, हमारी पैदाइश हुई है पूरे ब्रह्मांड के सहयोग से। इस पूरे ब्रह्मांड ने, पूरे अस्तित्व ने हमारा व्यक्तित्व निर्मित किया है। समष्टि से हम स्वयं हैं, स्वयं से समष्टि की यात्रा, ये योग है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका इस ब्रह्मांड के तत्वों से बनी है, इसलिए हमारे पास आचार्य कुलम के छोटे बच्चों से लेकर के फिर वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के पांच संगठनों से लेकर के जितने भी लोग आते हैं, मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, ये सारा अस्तित्व हमारे लिए, ये पेड़ पौधे वनस्पतियां किसके लिए? हमारे। ये धरती माता किसके लिए? हमारे। हमें आश्रय देती है, हमें अन्न शाक सब्जियां फल फूल देती है, दूध घी सब कुछ इस धरती माता से हमको मिलता है। ये धरती माता हमारे लिए, ये पेड़ पौधे वनस्पतियां हमारे लिए, ये सूर्य चांद हमारे लिए, ये सारा ब्रह्मांड हमारे लिए। तो इस सारे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और हमारा भी अस्तित्व सबके लिए होना चाहिए। सब कुछ हमारे लिए तो हमारा जीवन भी सबके लिए, ये सही दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। नहीं तो व्यक्ति बहुत उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, बोले मैं योगी बन जाऊंगा मुझे औरों से क्या, मैं निरोगी बन जाऊंगा मैं सुखी बन जाऊंगा मैं मुक्त हो जाऊंगा मुझे औरों से क्या। ये जो दृष्टिकोण है जीवन का, ये ठीक नहीं है। तो आओ अब सीधे बैठ करके आपको प्राणायाम ध्यान करवाएंगे। आज श्रद्धेय आचार्य बक्सर जी महाराज जी भी आएंगे और उनका भी दर्शन और मार्गदर्शन आप सभी पाएंगे। सारे कार्य के मूल में श्रद्धेय आचार्य श्री की बहुत बड़ी प्रेरणा है और अभी गो को लेकर के, कृषि को लेकर के बहुत बड़ा कार्य जो हो रहा है और होने वाला है उसके संदर्भ में बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से अभी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब आगे की लंबा गहरा श्वास लेना और बाहर छोड़ना। भगवान के साथ एकाकार होकर के, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे ऐसे मैं भी तुमसे मिला रहा हूं। भगवान की हम उपासना करते हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान देखो सारी सृष्टि को सुख शांति से ऐश्वर्य से भर रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। योग करते करते हमारे जीवन में भी भगवत आए। तो लंबे गहरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में घुटनों पर सीधे मृदंग सीधा, लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपके साथ एकाकार रहूं। ये भगवान के साथ एकाकार होने का मतलब क्या है? भगवान के साथ एकाकार होने का मतलब है भगवान मस्तिष्क भगवान के दिव्य ज्ञान से युक्त रहे, ऊपर से नीचे तक। सोच लो इसमें बहुत ज्यादा वेद मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है कि वेद मंत्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक बाहर के वेद हैं ऋचाओं के रूप में, एक भीतरी तुम्हारे वेद हैं। ये भीतर के वेद का भेद भी खुलेगा योग करने से। मस्तिष्क ऊपर से सोचो, मस्तिष्क ईश्वरीय ज्ञान से युक्त रहे, ये है भगवान की उपासना, भगवान के साथ एकाकार होना। आंखें ईश्वरीय दृष्टि से,
भागवत दृष्टि से युक्त रहे, माने जहां देखें वहीं चारों ओर भगवान ही का नूर नजर आए, कानों में भगवान की पावन वेद की ऋचाओं का उद्घोष गूंजता रहे, वाणी से भगवान का नाम स्मरण होता रहे, अपने हाथों से अपने कर्म को अपना धर्म मान के भगवान की पूजा मान करके हम पुरुषार्थ करते रहे। ये पैर हमारे सत्य के, धर्म के, न्याय के, वेद के पथ पर, सेवा साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहे। पूरा अस्तित्व भगवान के लिए, यह है भगवान की उपासना। ईश्वरीय ज्ञान से युक्त होकर के जीना, ईश्वरीय प्रेरणाओं से, ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय करुणा से, ईश्वरीय वात्सल्य से, ईश्वरीय शक्ति सामर्थ्य से, अतीन्द्रिय शक्तियों से, अतीन्द्रिय शांति से, अतीन्द्रिय सुख से, आनंद से युक्त होकर के, ये है योगमय जीवन। लंबे गहरे श्वास भरेंगे भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ऐसे शरणागति प्रभो तेरी शरण। व्याधियां तो मिटती ही हैं, मैं बार बार कहता हूं व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेरणा, दिव्य प्रेम से, करुणा वात्सल्य से, दिव्य सुख, शांति, ऐश्वर्य,
भगवान की दिव्य विभूतियों से, भगवान की समस्त दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऐश्वर्य से, भगवान के समस्त दिव्यताओं से युक्त होकर के जीवन को जीना, यही तो योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योग। ये तो प्रथम चरण है, अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। प्रभु आपकी आपका यंत्र बनकर के, आपकी संपूर्ण दिव्यताओं से युक्त होकर के जो, आपका प्रतिनिधि होकर के जो, हम हैं ही शाश्वत के प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि, ईश्वर की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, भारत माता की संतान है। इस धरती पर हमारा जन्म ही हुआ है भगवान के साम्राज्य का विस्तार करने का, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को साकार करने, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। कपाल भाति करते रहिए। जैसे तन वो प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन वो प्राण का खेल है, जैसे तन वो प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही मैं लगा रहूं, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही मैं लगा जी, मुझे वरदान दो प्रभु जी, मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी मेरा देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं, मेरा देवता मेरे साथ हो, मैं उपासना भगवान के शरणागत। देखो जीवन जीने के लिए कोई ना कोई तो आलंबन करे, बाहर के आलंबन भी
भगवान के विधान के अनुरूप जो हमें मिले हुए उनमें भी भगवान की अनुभूति करके भगवत्ता के साथ उनका भी निर्वहन करना है। लेकिन सबसे बड़ा आलंबन, सबसे ऊंचा आलंबन, सबसे श्रेष्ठ आलंबन तो भगवान का ही। अब जैसे हम बैठे हुए तो धरती का आलंबन है, लेकिन इस धरती में भी भगवान ही है। जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को मूर्त रूप देने के लिए माता पिता का आलंबन, गुरु का आलंबन भी है, संबंधों का भी आलंबन, उन सब में भी भगवान को अनुभव करना। शरीर को चलाने के लिए आहार का आलंबन है, मस्तिष्क के लिए विचार का आलंबन है, संसार के सारे आलंबन, और इन सब में भी भगवान का दर्शन करना, और सबसे ऊंचा आलंबन तो भगवान का ही है ना। एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा स्वर्गलोके महीयत। आइए आप भी गाइए। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे वैसे मैं सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। देख ऐसे प्राणायाम ना ध्यान से करना, और योग का ध्यान का भगवान की भक्ति स्तुति प्रार्थना उपासना का अध्यात्म का तो लक्ष्य है, साध्य है, प्रयोजन है, वह भगवान का प्रतिरूप हो, भगवान का प्रतिरूप होकर के जीना है हर समय, हर समय। कपालभाति ऐसे किया, कपालभाति करते करते थक गए तो थोड़ी देर आइए अनुलोम विलोम कर लीजिए। हर तरफ हर कहीं पर हाँ उसी का नूर, हर तरफ चारों तरफ ओम तत्सत प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तेरा ही नूर सब में है, और यही सत्य है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याह पीतं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृण सत्य धर्माय दृष्टये। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वशे इन्द्रस्य युज्यः सखा, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततम्।
उमुपत्वाग्नि दिवि दिवि दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसि यदंगदाससे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम् यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम् च मयि पश्यति सत्याहम् न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति प्रभो तेरा ही नूर सब तेरे सिवा और यहाँ है ही क्या तू ही नाना रूपों में सहस्रों रूपों में अनंत रूपों में अनंत रामों में तो ही प्रकट हो रहा है तो ही तू आओ अनुलोम विलोम ऐसी लय के साथ करना फिर देखना ये योग पूरा घटित होगा आपके भीतर हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है कानून हाँ उसी कानून रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर रोशनी का कोई दरिया तो जरूर हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का अभ्यास इच्छा नहीं होने पर भी करने चाहिए बुरी आदतों से बुरे कामों से बुरे स्वभाव से इच्छा होने पर भी बचना चाहिए योग करने की आदत डाल
अच्छे काम करने की आदत डालिए। विद्यार्थी काल में पढ़ने की आदत, पुरुषार्थ करने की आदत, अपने वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण को अच्छे बनाने की आदत, फिर विद्यार्थी काल के बाद जब आप खेती बिजनेस व्यापार व्यवहार आदि में लग जाते हैं संसार के दायित्वों में, उनमें भी हर समय ये एक सूत्र है जीवन का, अनुलोम विलोम कीजिए, रुकना नहीं, अच्छे अभ्यास प्रयत्न पूर्वक बनाइए और बुरे अभ्यासों से गलत आदतों से प्रयत्न पूर्वक बचिए। देखो जीवन बहुत पावन है, अनुलोम विलोम करते करते भगवान की महिमा का ध्यान कर रहे हैं। प्रभो तो ही तो इंसान जब कोई है राह से भटका, इंसान जब कोई है राह से भटका, जिसने दिखा दिया उसको सही रास्ता, जिसने दिखा दिया उसको सही रास्ता, कोई तो है जो करता है, कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दो, करता है मुश्किल हमारी दो, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर, हाँ उसी का नूर, रोशनी का कोई, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर, हाँ उसी का काल भाते करते करते थक गए थे तो अनुलोम विलोम किया, अब अनुलोम विलोम करते करते थोड़े थक गए तो फिर से कपाल भाते कर ले, और सुबह सुबह भगवान के साथ एकाकार हो, सुबह शाम कम से कम दो समय संध्या अवश्य करते हैं, उपासना करते, कोई त्रिकाल संध्या भी करते हैं, कोई पांच बार नमाज पढ़ते हैं, और हम तो 24 ही घंटे ध्यान में रहते हैं। 24 घंटे में ध्यान में रहने का मतलब कोई आंख बंद करके नहीं बैठते 24 घंटे, 24 घंटे इस भाव से जीते हैं कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य, सब कुछ करने का आधार तो परमात्मा ही, बस मैं निमित्त मात्र हूं, मैं भगवान का यंत्र हूं, जो आत्मा में मेरा परमात्मा प्रेरणा दे रहा है बस मैं किए जा रहा हूं, इस भाव से जो जीते हैं
वो 24 घंटा ही ध्यान करते, 24 घंटे योग में रहते। आप भी ऐसा अभ्यास करो, 24 घंटे योग में जीने का अभ्यास। कपालभाति कीजिए, रुकना नहीं है किसी को भी। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, ये तीनों चीजें बड़ी खतरनाक है। लय के साथ ऐसे करते हैं और सुबह से शाम तक भगवान ने ये संसार उसको भुलाने के लिए नहीं बनाया, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया। भगवान ने इतना दिव्यता से भरा ये सारा ब्रह्मांड बनाया और हम इसमें उलझ जाते हैं। इसी को वेद के मंत्र में कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूषेन पादवृणौ अपवृणौ सत्याः कामा अनृता पिधाना। जरा थोड़ा सा गहरे में जाकर के देखो, कोई एक छोटा सा चमत्कार कर देता है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोले ये तो भगवान का रूप है। छोटा सा चमत्कार कर देता है, कोई छोटा सा चमत्कार कर दे। अब मैं यदि इस माला को यहीं के यहीं ऐसे छोड़ करके और कहूं कि भैया माला नीचे नहीं गिर रही है, तो गिर गई। यदि इस माला को मैं यहीं के यहीं रोक दूं ना, अरे बोले भाई बाबा मैं तो बहुत ताकत है, देखो माला यहां ऐसे रखी और यहीं के यहीं रुक गई। यदि मैं माला को या इतनी सी ऊपर भी ऐसे टांग दूं ना ऐसे ही बिना सहारा के, तो कहेंगे भाई बाबा में कोई खास ताकत है। अरे बाबा में क्या खास ताकत है, भगवान ने ये धरती, ये सूरज चांद ब्रह्मांड में ऐसे लटका रखे बिना किसी सहारा के। बताओ इतना बड़ा ये ब्रह्मांड, एक समुद्र धरती पर, एक समुद्र आसमान में, किसी ने ज्यादा कि आजकल तो इतने पैसे तो सभी के पास हो गए, फ्लाइट में यात्रा करते हैं ना तो ऊपर ऊपर आसमान में, अब जैसे अब तो 2-3 महीने ऐसे रहेंगे, 5-6 महीना ऊपर देखो बादल ही बादल, एक समुद्र धरती के अंदर, एक समुद्र धरती के ऊपर। अब सारा पानी ऊपर थाम रखा है बादल बना करके, और जहां जरूरत होती है वहां बरसा देता है, कर देता है काम। इतना भयंकर, कल देखा आपने कैसी काली आंधी आई और अभी भी धना धन चारों ओर ऐसे बरस रहा है, गरज रहा है। एक आदमी को छोटी सी पेंटिंग कर देता है ना, एक बावड़ा सा पेंटर तो मर गया, नरक पर गया होगा सीधा। वो वहां रहता था, देवी देवताओं के उल्टे सीधे चित्र बनाता था, क्या पता नहीं क्या नाम था उसका, हुसैन फुसैन, भगवान जो है पैगंबरों के नाम को भी ऐसे लोग बदनाम करते हैं, उल्टे पुल्टे चित्र बना दे और उसको ऐसा महिमा मंडित कर दिया लोगों ने, क्या रे कमाल है साहब, ये तो पता नहीं कोई फरिश्ता है। और उसकी एक एक चित्रकारी को खरीदने के लिए लोग 5-5, 10-10 लाख नहीं 5-5 करोड़ की बोली लगा देते थे। अरे भगवान की इस प्रकृति को देखो, योग ग्राम में जाकर के कभी देखो, या भी थोड़े से लगा रखे। हमारे स्वामी मुक्तानंद जी को फूलों से बड़ा प्रेम है। हम गुरुकुल में पढ़ा करते तो हमारे पास में 50-100 रुपये होते तो हम घी खरीदा करते और वो फूल लाया करते और लगा दिया करते। मैंने कहा देखो ये बावड़ा बाबा, मैंने कहा महाराज ये क्या है, बोले स्वामी जी ये तो फूल है ना, इनको देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है, इनको देख करके भगवान का दर्शन होता है।
भगवान की इस रचना को तो देखो, कितने पुष्प भांति भांति के, कितना बड़ा वो कलाकार है, कितना बड़ा वो रचनाकार है। लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते, पहले तो हमको भी नहीं पता लगा था, ये ऐसे ही जो है इसमें हम भी चौंधिया गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे भगवान ने आंख खोली, गुरुओं ने आंख खोली, कुछ अनुभव हुए, तो अब तो भाई हमें तो चारों ओर एक ही भगवान भगवान दिखते हैं, हमें तो कोई ऐसी जगह नहीं दिखती जहां भगवान ना हो। लोग कहते हैं भगवान कहां दिखता है, हम कहते हैं भगवान कहां नहीं दिखता है। इन माँ बहन बेटियों में, आप भाइयों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, इंसान में, मनुष्यों में, मनुष्यतर जीव और जगत में, सब जगह प्रभु तो इतना है। कौन सी ऐसी जगह है? दो चार भजन तो हम जब गाते हैं ना, तो जो नास्तिक है ना वो भी एक बार तो कहता है हाँ बाबा जी कुछ है तो सही है। अजब चित्रकार है, कैसा वो रचनाकार है, क्या गजब है, पहचान न पाया मैं तुमको, ये चार पांच भजन जब गाते ना तो फिर आदमी कहता हाँ बात तो कुछ है तो सही। महात्मा गांधी जी ने एक वाक्य लिखा, सबसे पहले और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है महात्मा गांधी की, गुजराती में लिखी थी पहले आजादी के बारे में, उसी में एक बात लिखी प्रसंग में कि मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी थी उसको पहचानने के लिए, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल भगवान को पाने के लिए कम, उसको भुलाने के लिए ज्यादा करते हैं। जिस परमात्मा ने दिमाग दिया इस दिमाग से भी उसी को भुलाते हैं, उसको पाते नहीं, फिर भी भगवान कितने दयालु, कर ले भाई तेरे को जो भी करना है, मैंने तो कर दिया जो करना था। अब कोई अपने माँ बाप को माँ बाप ही ना माने, बोले मैं तो बापू तेरे को बापू ही नहीं मानता, अब क्या कर लेगा बापू, ठीक है बेटा मत मान, अब हूं तो हूं ही तेरा बाप है। अब कोई अपने बाप को बाप ना माने, अपनी माँ को माँ ना माने, तो क्या करेंगे, माँ बाप ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी, चलो थोड़ा कपाल भांति करा दे, चलो एक भजन सुनाते हैं आपका, ये भजन सुनते सुनते आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, दर्शन तो हो ही रहा है, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है हटा लो, इसलिए कहते हैं बिना गुरु की शरणागति के भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान की अनुभूति नहीं होती। सीधे बैठो करो, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, क्या हो प्रभु जरा अनुभव करो, कपाल भाती भी करते रहो, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, ये सूर्य चंद्र रश्मियों में, सूर्य चंद्र रश्मियों में जिसका सहकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, ये शस्य श्यामला धरा, ये नीलिमालिये गगन, ये तार को भरे निशा, सुबह की मद भरी पवन, देख लो चारों ओर प्रभु का ही नोर नोर है, वही हो तो ही तो, ये शस्य श्यामला धरा, ये नीलिमालिये गगन,
ये तार को भरे निशा, सुबह के मध भरे पवन, ये शीत ताप मेघ अंधकार में प्रकाश में, ये हिम नदी प्रवाह और शुभ्र जल प्रपात में, ये हिम नदी प्रवाह और शुभ्र जल प्रपात में, ये सूर्य चंद्र रश्मियों में, ये सूर्य चंद्र रश्मियों में जिसका सहकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। हरी हरी ये वादियाँ पहाड़ ये तने तने, संध्या में इसको मनसा परिक्रमा कहते हैं, चारों ओर ढूंढो, चारों ओर खोजो, वही नजर आएगा प्रभु तो ही। कुछ कहते हैं ना, भगवान में मन नहीं लगता तो कहाँ लगता है, जहाँ तेरा मन लगता है उसी के मूल में जाके देख, मूल को ढूंढोगे खोजोगे तो उसी को पाओगे, मूल आधार वही है, सब माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, फूलों में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, जीवों में। कुछ कहते मुझे जीवों से बहुत प्यार है, कुछ कहते मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, नदी नालों से, कोई कहता है मुझे पति से, कोई कहता है मुझे पत्नी से, कोई कहता है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे गुरु से बहुत प्यार है, सबके मूल में खोजोगे तो वही पाओ, उसी को पाओ। हरे भरे ये वादियाँ पहाड़ ये तने तने, ये लहलहाते खेत और बागवन घने घने, ये लहलहाते खेत और बागवन घने घने, वो जिसने रत्न है धरा के गर्भ में छुपा धरे, वो जिसके हर प्रयत्न है मनुष्य बुद्धि से परे, वो जिसके हर प्रयत्न है मनुष्य बुद्धि से परे, जलधि तरंग को जलधि तरंग को उछालता जो बार बार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। असीम वारी राशि से भरे हुए समुद्र ये, असीम वारी राशि से भरे हुए समुद्र ये, समुद्र के विशाल काय और जंतु छुद्र ये, समुद्र के विशाल काय और जंतु छुद्र ये, ये व्योम वायु अग्नि वारी भूमि पंच तत्व से, ये व्योम वायु अग्नि वारी भूमि पंच तत्व से, रचाया प्राणी मात्र को विधान से ममत्व से, रचाया प्राणी मात्र को विधान से ममत्व से, किया उसी ने जीवनीय, किया उसी ने जीवनीय शक्ति का संचार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है, अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। उसी ने जीव और जंतु हर प्रजाति के, रचे उसी ने जीव और जंतु हर प्रजाति के, रचे उसी ने अन्न फल व पुष्प भांति भांति के, रचे उसी
अन्य अन्न फल व पुष्प भांति भांति उसी ने धूप छाव मेघ की फुहार को रचा उसी ने धूप छाव मेघ की फुहार को रचा उसी ने वायु को बसंत की बहार को रचा उसी ने वायु को बसंत की बहार को किया उसी ने रंग गन किया उसी ने रंग गंध स्वाद का प्रसार है जब वो चित्रकार है जब वो शिल्पकार है जब वो चित्रकार है जब वो शिल्पकार है ये सूर्य चंद्र रश्मियों में सूर्य चंद्र रश्मियों में जिसका साहकार है और जब वो चित्रकार है जब वो शिल्पकार है जब वो चित्रकार है जब वो शिल्पकार जल भी तरंग को उछालता जो बार बार है जब वो चित्रकार है जब वो शिल्पकार 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 है जब वो शिल्पकार है जब वो चित्रकार तो पिंड से लेके ब्रह्मांड तक अच्छा सारा ब्रह्मांड समझ में ना आए तो अपने को ही समझने की कोशिश कर लेना। अब तक भी वैज्ञानिक शरीर की एक कोशिका का भी रहस्य नहीं जान पाए हैं। आदमी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। बड़े बड़े अनुसंधानों की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बौद्धिक चर्चाएं हम करते हैं, मनुष्य के शरीर की एक कोशिका का एक कोशिका छोड़ो एक बाल का भी रहस्य अभी तक नहीं जान पाया है। तुक्केबाजी कर रहा है। ये बालों के रंग भी कैसे कैसे बदलते रहते हैं, बालों के कलर पूरे दुनिया में किस किस तरह के हैं, और एक बाल का भी रहस्य नहीं पता लगा अभी तक। शरीर की एक एक कोशिका का रहस्य नहीं पता लगा। पूरे ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हम जो कुछ जानते हैं, कुछ कहते हैं हम 1% जानते हैं, कुछ कहते हैं हम 2-4-5% जानते हैं, 95% तो अभी रहस्य ही बना हुआ है। दुनिया के 700 करोड़ से ज्यादा बुद्धिमान इंसान, देखो बाकी जीव जंतु में कहते हैं दिमाग कम है, ये जो इंसान कहता है कि बहुत बुद्धिमान है, दुनिया के 700 करोड़ लोगों में भी जो श्रेष्ठतम बुद्धिमान लोग हैं वो सब मिलकर के भी मनुष्य की शरीर की एक कोशिका के रहस्य को भी अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। शरीर की कोशिका काम कैसे करती है, इतनी बड़ी जिसकी रचना है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई रचयिता तो है। बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, बिना रचयिता के कोई रचना नहीं होती। एक छोटी सी सुई भी बिना बनाई नहीं बनती है। इस शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के पिंड और ये सारा ब्रह्मांड को ऐसे बन गया है बावड़े, इसलिए बावड़ापन छोड़, किसकी शरण में आ, भगवान की शरण में। अच्छा फिर मैंने देखा अब कुछ तो ऐसे बावड़े हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, और जो भगवान को मानते हैं वो क्या करते हैं, राम 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 सीता राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए राम नाम जप। फिर आगे पता नहीं और कुछ बोलते हैं, पराय माल अपना बाकी दुनिया झूठा सपना। ये राम नाम जपने वाले भी फिर सुबह से शाम तक राम ही राम जपते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। बोले अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गई भाई सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा, और ये पड़ा पड़ा खाट में सो रहा है। बोले भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे तो तुझे भी बावड़े बनाया है, तुझे कुछ कर ले। तो कुछ तो भगवान को मानते ही नहीं, और जो मानते हैं वो उल्टा पुल्टा मान लेते हैं। इसलिए सही सही मानो, सही सही जानो। तो वो क्या बताया था मैंने, हम सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान की उपासना का क्या है,
भगवान की उपासना का मतलब है भगवान के ज्ञान से, भगवान की प्रेरणाओं से, भगवान की शक्तियों से, भगवान के सामर्थ्य से, भगवान की विभूतियों से, भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान की संपूर्ण दिव्यताओं से युक्त होकर के भगवान का काम करना, यह भगवान की उपासना। अब कोई कहे माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक दो बार तो सुनेगी, ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है, माँ आपसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ आपके बिना नहीं रह सकता, तो माँ भी हृदय से लगा लेगी और फिर पढ़ने भी ना जाए, माँ कहेगी बेटा प्यार बहुत हो लिया, अब अपनी पढ़ाई कर ले। तो माँ भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, गुरु भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन सबके पीछे अंततः गत्वा तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा। तो प्रार्थना का अर्थ ही पुरुषार्थ है, प्रार्थना का अर्थ ही परमार्थ है। भगवान की प्रार्थना, भक्ति, आराधना का अर्थ ही है भगवान का प्रतिरूप बनना। सब भगवान के विधान से संसार बना है, बस हम उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाए और जो भगवान का विधान है बस उसी के अनुरूप जीने लग जाए। तो ऐसे हम भगवान, हमें भगवान का प्रतिनिधि बनना है, शाश्वत का प्रतिनिधि बनना है, सच्चे ईश्वर की संतानें बनना, सच्चे ऋषियों की संतानें बनना, ये सच्चे अर्थों में सच्चे अर्थ। तो आज का मूल विषय यही है कि हम सब भगवान के प्रतिरूप बन करके जिए। सामान्य जीवन तो जी रहे ना सब लोग, इससे थोड़ा ऊंचे उठो, निम्न चेतना से सामान्य चेतना से और ऊंचे, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में जियो, ऐसे जी रहे। सब काम को भगवान ईश्वर का कार्य मान करके करो। आप जो पतंजलि के अनेक जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, मैंने कहा ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है, प्रभु प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए ही है। और भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान में कोई स्थान की दूरी नहीं है, ज्ञान की दूरी है। कर टटोल घटपट को खोल, बस सिर्फ ज्ञान की दूरी, न वो तुमसे दूर है, फिर कोई दूरी है ही नहीं। ऐसी दिव्यता के साथ जीवन को जीना है। तो अब आपको प्राणायाम और ध्यान को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं, कपाल भांति अनुलोम विलोम ऐसे करना, और कैसे करना, भगवान के ध्यान के साथ हर समय, प्रभु तो ही तू। देखो ध्यान के समय भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखना, जैसे प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भगवान के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करके, भगवान के साथ एकाकार होकर के जो भगवान का ज्ञान है, भगवान की प्रेरणा है, उसके अनुरूप काम करना, बस यही जीवन है, यही योग है, यही कर्म योग है, यही उद्योग है, इससे आगे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब इतनी बात जिसको समझ में आ गई उसको जीवन समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर ठोकर पर ठोकर खाएगा। बाकी प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए, तीन से पांच बार ये बाह्य प्राणायाम, थोड़ी सी अग्निसार भी कर सकते हो। गले और थायराइड के लिए उज्जाई भी तीन से पांच बार कर लेना है।
ये बहुत अच्छा है उज्जैन, अभी तो बहुतों की खुर खुर हो रही है, देखो भगवान के विधान के अनुसार जीवोगे तो जीवन में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैंने एक बात कही थी कल, ये सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित, सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित, स्वावलंबी है, सब कुछ ठीक है मामला। जो भी गड़बड़ हो रही है वो आदमी के अविवेकपूर्ण आचरण से हो रही है, बाकी सृष्टि में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान सुखमय है तो उनकी रचना दुखमय कैसे हो सकती है? भगवान शांतिमय है, भगवान आनंदमय है, ज्योतिर्मय है, भगवान पूर्ण है सब प्रकार से, तो उनकी रचना में किसी भी प्रकार की अपूर्णता। भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना में दोष कैसे हो सकता है? सारा दोष, सारा दुख, सारे द्वंद्व, जो भी संसार में विषमताएं हैं तो मनुष्य के अविवेकपूर्ण आचरण से, बस ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है। कभी आपने सुना कि किसी हाथी ने, किसी घोड़े ने, किसी शेर ने बम विस्फोट कर दिया, कोई युद्ध कर दिया? जितने भी आज तक दुनिया में युद्ध हुए हैं सब आदमी कर रहे हैं, जितनी भी हिंसा है सब आदमी कर रहा है, जितने भी दुराचार, अनाचार, व्यभिचार हैं सब आदमी कर रहा है, भ्रष्टाचार आदमी कर रहा है, कितने ताकतवर जीव जंतु हैं दूसरे। कभी किसी ने सुना है कि इस ऊंट ने घोटाला कर दिया, कोई किसी को गाली देनी हो ना किसी आदमी को तो बोले कुत्ते और गधे की गाली देते हैं, कभी किसी कुत्ते और गधे ने कोई सृष्टि में कोई बवंडर किया? सारे बवंडर ही आदमी कर रहा है। आदमी यदि अविवेकपूर्ण आचरण ना करे तो योग से, अध्यात्म से यही होगा। बस आओ, अब आपको सारे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, वायु उज्जायी, अनुलोम विलोम करा दी, भ्रामरी उद्गीत और ध्यान करा करके अब पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं। कान बंद कर लेंगे, मुख बंद, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में, अभी तो आपको भगवान का दर्शन करवाया ना, ऐसे ही यहां मन टिक जाए तो यहां टिका लेना, और यहां ना टिके तो जहां टिके वहीं टिका लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। माता में, पिता में, पत्नी में, बच्चों में, जहां मन टिके वहीं टिकाओ और उसके मूल में जाओ। मूल में जाओगे तो प्रभु के ही को ही पाओगे। ऐसे 3, 5, 11, 21 बार जितना समय मिले उतना कर लेना, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओ Oh.
भगवान का तो एक बार भी स्मरण हम ठीक से कर लें, एक बार भी भगवान का नाम हम ठीक से ले लें, तो बस फिर कुछ करना शेष ही नहीं रहता। एक बार भगवान का नाम स्मरण किया, ओ ओ प्रभु तू ही सबका कर्ता नियंता संघर्ता, तू ही सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान तेरी। ध्यान से बैठे थोड़ी देर, कुछ लोग दो तीन मिनट भी शांत होकर के बैठने का अभ्यास नहीं करते, जैसे ही शांत बैठते हैं हथेलियां रगड़ने लग जाते हैं। शांत बैठो, थोड़ी शांत बैठे, भगवान की महिमा को अनुभव। आपके आश्रय में रहो, मेरा आलंबन तो प्रभु तो ही है। प्रभु आपके ध्यान से, आपकी ज्योति से, आपकी दृष्टि से, भागवत ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से, भागवत दृष्टि से, ईश्वरीय दृष्टि से, भागवत वाणी से, भागवत श्रुति से, भागवत प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय करुणा वात्सल्य से, ईश्वरीय शक्ति सामर्थ्य से, प्रभु आपकी दिव्यता से युक्त होकर के हर पल जीऊं, ऐसी ही शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी मति दो, ऐसा विवेक दो, ऐसा सामर्थ्य दो, ऐसा भाव दो, ऐसा सद्भाव दो। प्रभु आप का होकर के जीव, आपकी शरण शरण ले, बस ये ध्यान हमेशा बना रहे, यही ध्यान योग। अब इस तरह का ध्यान हर समय बना रहे, ये 24 घंटे का ध्यान है। अब आंखें खोल लीजिए। कुछ लोग ना जैसे ही ध्यान करते हैं तो बस ध्यान का नाम लिया और आंखें रगड़ना शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ा तो शांत होकर के बैठा करो, और इस भाव में भगवान के साथ जितनी देर बैठोगे उतना शक्ति मिलेगी। खैर ऐसे 3-5 मिनट से लेकर के 10 मिनट का ध्यान, 2-3 मिनट बच्चों को, 5 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट बस, बड़ी उम्र में थोड़ा और अधिक ध्यान कर सकते हैं। और फिर दिन भर भगवान के प्रतिनिधि होकर सेवा करना। अब बेटियां अपनी दिनचर्या के लिए प्रस्थान करेंगी और आप सब यहीं रहेंगे। ये वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां, यहाँ कई ये शिक्षा के प्रकल्प चलते हैं, एक आचार्य कुलम छोटे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए वैदिक कन्या गुरुकुलम, भाइयों के लिए विद्यार्थियों के लिए गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय, और इन्हीं कार्यों का बहुत आगे विस्तार देने वाले हैं। तो बेटियां प्रस्थान करेंगी और आप, क्योंकि आगे की अलग दिनचर्या आपको अब अगली बात बताते हैं। तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति यही है कि किससे युक्त होकर के जीना? भगवान की दिव्यताओं से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के प्रेरणाओं से, भगवान की शक्ति सामर्थ्य से युक्त होकर के, भगवान के प्रतिनिधि होकर के जीना, यही क्या है भगवान की? बोलो, भक्ति है। ऐसे जीना है आप सबको। अब भक्ति के नाम पर ढोंग नहीं करना, आडंबर नहीं करना, पाखंड नहीं करना, और भगवान को सबसे ऊंचे स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर किसको रखना? बोलो, भगवान को सर्वोच्च स्थान पर किसको रखना? भगवान को। और वो है ही, हम उसको अनुभव ना भी करें वो तो है ही, सर्वोच्च स्थान पर भगवान ही है।
भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही करतार, वही करतार वही, इस जग का आधार वही आधार, वही करतार वही, तू ही माँ तू बंधु सखा, सारे जग का आधार वही है, तू ही माँ तू बंधु सखा, सारे जग का भातार वही है। दुखी बेसहारों का भी वही आसरा है, दुखी बेसहारों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई। सब जग का आधार वही करतार वही भरतार वही, मात पिता बंधु व सखा सारे जग का भरतार वही। देखो जब कोई नहीं होता ना तो भगवान हमारा साथ देता है, ऐसे हर समय भगवान के अंग संग जीना, यह है भगवान की भक्ति। अब आगे की बात बताते हैं। तो सबसे ऊंचे स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर हमें भगवान को रखना है और फिर भगवान का काम करना है। जितने भी पवित्र कार्य हैं सब ईश्वरीय कार्य हैं, बस अविवेक पूर्ण आचरण से, अविवेक पूर्ण काम बचना है। आप जितना भी कार्य कर रहे हैं ये सब ईश्वरीय कार्य है। भगवान ने इस धरती को बहुत अच्छा बनाया था, खेती के लिए जितने पोषक तत्व इस धरती में चाहिए सब भगवान ने बनाए, लेकिन आदमी ने इस धरती के साथ ही क्रूरता कर दी, खिलवाड़ कर दिया, छेड़छाड़ कर दी। सारी छेड़छाड़ ये आदमी कर रहा है। अब मैंने कहा ना 200 करोड़ वर्षों से ये धरती बनी हुई है, ये सृष्टि बनी हुई है। अब इसमें मनुष्य ने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी की और उसके बावजूद भी प्रकृति अपना बहुत संतुलन बना के रखती है। 100 से अधिक तत्व हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जिनकी मनुष्य पहचान कर ली। वैसे तो मैंने कहा ना ये आदमी जो है ये बहुत थोड़ा सा जानता है और उसी से इतना गरूर में रहता है। कि बोले मैं तो भगवान को ही नहीं मानता, इसलिए एक कवि ने भजन ही लिखा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने
समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता और कोई। देने पे जब वो आए, देने पे जब वो आए तो भी सुमार दे, सुमार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने। वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्व सवार देगा, वह तो पिता है तुझ पे सवार देगा, जिस दिन घमंड अपने सत्य उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है उसके अनुसार आचरण करो तो जीवन अपने आप ही अच्छा बनता जाएगा, पवित्र बनता जाएगा और हम सब प्रकार का सुख सौभाग्य समृद्धि सफलता जीवन में प्राप्त करेंगे। मैंने कहा है आदमी ने सारी गड़बड़ की, खेत खलिहान से लेकर के खेतों को किसने बिगाड़ा? कोई भगवान ने बिगाड़ा? ये यूरिया भगवान बना, भगवान ने बनाया, ये अलग अलग प्रकार के जो जहर हम खेत में डाल रखे, तो आप कहेंगे जी भगवान ने बनाए, तो भगवान ने सारे केमिकल सोल्स हार्मोन्स भगवान ने बना रखे, जहां जहां बना रखे हैं वहां वहां उनको पड़ा रहने दो, छेड़ाछाड़ी मत करो। कुछ लोग कहते हैं ये जो जहरीला खेल खेलते हैं ना, बोले ये सब जहर भी तो भगवान ने बनाए, जो सुल्फा पीते हैं, भांग पीते हैं, धतोरा खाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी आपने तो जिंदगी का मजा ही नहीं लिया, सुल्फा कभी लगा के ही नहीं देखा। मैंने कहा भैया सुल्फा गांजा भांग भगवान ने बना रखे हैं, जहां लगे वहां लगे रहने दो, तुम मत खाओ पियो। तो हम श्रद्धे आचार्य श्री की प्रतीक्षा कर रहे थे, वा ही गए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बैठ करके अपने स्थान पर ही बैठे बैठे माथा टिका करके प्रणाम करेंगे और फिर श्रद्धाचार्य श्री से मार्गदर्शन पाएंगे। मैं कह रहा था भगवान ने तो अपनी जगह पर सब चीजों को ठीक बनाया है, उसका उपयोग हम गलत करने लगते हैं। अब भांग का प्रयोग, धतूरे का प्रयोग, अफीम का प्रयोग, अलग अलग विष हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन अब सांप है, अब सांप को कटवाने के लिए थोड़ी है कि भगवान ने सांप बना रखे हैं। बोले स्वामी जी ने कहा था सब में ही भगवान है तो सांप में भी भगवान है, तो भाई सांप में भगवान है तो उसकी हिंसा मत करो, उसको उसको भी रहने दो। तो ये सृष्टि केवल मेरे ही रहने के लिए नहीं बनाई है, मेरे रहने के लिए भी बनाई है, तो दूसरों को भी रहने दो भाई, उसका अलग कार्य। जितने भी ये बिच्छू सांप से लेकर के अलग अलग विषैले जीव और विषैली जड़ी बूटियां ये बनाई है, इसके भी पीछे बड़े प्रयोजन है। इसको ठीक ठीक समझेंगे तो फिर कहीं भगवान की रचना में खोट नहीं ढूंढ सकते, भगवान तो सर्वज्ञ हैं और
पूर्ण है, न कुतश्चन होना। तो फिर खैर आपको बात कह रहा था, भगवान ने इस धरती में नाइट्रोजन से लेकर के फास्फोरस पोटास से लेकर के कैल्शियम मैग्नीशियम से लेकर के सल्फर से लेकर के सब कुछ दे रखा था। ये जो पीवीआरआई का जो प्रकल्प है, जो आपके थोड़े से परिचय कुंडू जी ने कल करवाया था, ये सारे प्रोडक्ट्स इसी बनाए हैं कि मनुष्य के अविवेकपूर्ण आचरण, मनुष्य की गलतियों से, मनुष्य की भूलों से, मनुष्य के द्वारा जो इस प्रकृति में छेड़ उसके कारण से जो कहीं जो है कमियां आ गई हैं, उन न्यूनताओं को पूरा करने के लिए ये प्राकृतिक उपाय हैं। नैसर्गिक खेती, कुदरती खेती, प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक बीज, प्राकृतिक कीट रक्षक, कीट रक्षण की जो व्यवस्था है, भगवान ने एक नेचुरल साइकिल बना रखा, उसको भगवान का विधान ऐसा बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ उसको बोला जाता है। तो वो यूनिवर्सल लॉ भगवान का विधान बहुत बड़ा कार्य कर अपने आप में। तो ये पीवीआरआई का पूरा प्रकल्प, जिसके पीछे हमने स्लोगन ही रखा है माता भूमि पृथ्वीया, तो धरती माँ को हमने बीमार कर दिया, धरती माता बीमार हो गई, धरती माता कुपोषण का शिकार हो गई, और उस धरती से फिर जो अन्न शाक सब्जियां फल आदि हमने लिए, उस धरती से जो शाक सब्जियां उसके साथ साथ जो उससे घास आदि खा करके जो पशु हमको दूध देते हैं, उसमें भी बीमारियां आ गई, उसमें भी पोषक तत्व तो पूरे नहीं रह गए, बहुत दिक्कत आ गई। उन कमियों को पूरा करने के लिए माने ये जो हमारा कार्य है, ये भगवान की इस सृष्टि में जो मनुष्य ने जो छेड़छाड़ की, मनुष्य ने जो गलतियां की, उससे जो हानियां हुई उसको ठीक करने का प्रकल्प है पूरा का पूरा। तो चाहे वह पतंजलि पशु आहार और फीड सप्लीमेंट्स के रूप में, पशु औषधियों के रूप में जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो एक प्रकल्प हो, चाहे दूसरा प्रकल्प हो, या नेचुरल मेडिसिंस, नेचुरल कॉस्मेटिक, अब नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर भी जो हम काम कर रहे हैं, ये सारे कार्यों के मूल में एक ही भाव है कि इस सृष्टि में सब प्रकार से सुख समृद्धि आए, स्वास्थ्य आए, सब अपने जीवन में सब प्रकार की खुशहाली प्राप्त करें, उसके लिए ये सारा का सारा प्रकल्प है। कल इस संदर्भ में विस्तार से भी थोड़ा आपको बताया था, और जो है ये भी साथ में बताया, जैसे इस धरती के पोषक तत्व है तो पशुओं को भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, किस तरह से उनका असंतुलन होने से और ये गड़बड़ी हुई, और फिर पशुधन और इस धरती में विकृति आने से मनुष्य के शरीर में विकृति आई। आदमी की फीडिंग तो मैंने कहा था दो ही जगह से होती है, एक धरती से सीधे तौर पर होती है, और एक जो भी हम अन्न शाक सब्जियां फल आदि खाते हैं, और दूसरा जो है जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, दूध, दही, पनीर आदि से, और उन दोनों में ही कहीं ना कहीं मनुष्य ने अपने अविवेक से, अपने स्वार्थ से, अपने अज्ञान से जो तमाम विकृतियां की हैं, उसको सही दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है, और इस दिशा में आगे भी अपने को बहुत बड़े बड़े कार्यों का संपादन करना है। मैं श्रद्धे आचार्य श्री से कहूँगा इस संदर्भ में और प्रकाश डालेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। एक बार श्रद्धे आचार्य श्री जिन्होंने, जिसको मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि, प्रतिरूप भगवान के ही मूर्त रूप हैं, ऋषि ऋषिकाओं के मूर्त रूप हैं, और भगवान के प्रतिनिधि बन करके, भगवान के विधान के रूप जो कार्य कर रहे हैं, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि बन करके महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि की परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारे पतंजलि योगपीठ को मूर्त रूप देना और पतंजलि योगपीठ के तमाम प्रकल्पों को मूर्त रूप दे करके ऋषियों के सपनों का भारत बनाना, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाना, राम और कृष्ण के सपनों का भारत बनाना, उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ श्रद्धे आचार्य भाषण जी कर रहे। एक बार सबके ओर से श्रद्धे आचार्य श्री को प्रणाम है। वीद की एक ऋचा है, सेन कृतना संबोधित, अपने कर्म से बोलो, तुम्हारा कर्म बोलना चाहिए। श्रद्धे आचार्य श्री बार बार एक वाक्य कहा करते हैं कि एक कर्म की ध्वनि हजारों शब्दों से ज्यादा सशक्त होती है।
तो इस तरह से जिन्होंने अपने कर्म, जिनका कर्म बोलता है, और जो पुरुषार्थ और परमार्थ ही को ही जिन्होंने अपने जीवन का स्वभाव बना लिया, तो आपको इस संदर्भ में कुछ और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे श्रद्धाचार्य। परम श्रद्धेय, हम सब के लिए आदर्श प्रेरणा के स्रोत स्वामी जी महाराज पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से इस अभियान को एक व्यापक और विशाल रूप देने में प्रयासरत माननीय शास्त्री जी और उनके साथ लगी हुई पूरी टीम और उस ग्रामोद्योग और पतंजलि बायो रिसर्च PBRI को व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रयत्नशील आप सभी भाई बहनों, यह एक ऐसा कार्य है जो पतंजलि योगपीठ परिवार ने बहुत विचार के बाद में, बहुत चिंतन के बाद में प्रारंभ किया, क्योंकि धरती माँ से जुड़ा हुआ कार्य है, गौ माँ से जुड़ा हुआ कार्य है। जन्मदात्री माँ के बाद में भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में चार चीजों को माँ का दर्जा दिया गया है। जन्मदात्री माँ के अलावा गायत्री माँ, गंगा माँ, गौ माँ और धरती माँ, उसमें से ये दो माँओं का संरक्षण यह पतंजलि ग्रामोद्योग और PBRI के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। धरती को बचाने के लिए, गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत लोगों ने अपना संपूर्ण समय और जीवन तक भी आहूत किया है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, वो इस रूप में हैं कि गौ संरक्षण के साथ में, धरती माँ के संरक्षण के साथ में आपकी जीवन निर्वहन का भी साधन वहाँ से थोड़े ही अंश में सही जुटता जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमको गायों की रक्षा के लिए, बाकी लोग तो गौशाला और बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ खोल करके और दान पुण्य और परमार्थ की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ सहित अर्थ सहित भी यदि इतना बड़ा परमार्थ का कार्य आपको करने का सौभाग्य मिला है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसको इसी भाव में यदि आप काम करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आपको ज़्यादा पुण्य लाभ भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जब हमको पता चला, सदैव स्वामी जी को जब पता चला इस बात को लेकर के कि पशु आहार में जो है वहाँ पर यूरिया मिला दिया जाता है और लकड़ी के बुरादों से लेकर के न जाने क्या क्या दूसरे द्रव्यों को मिला दिया जाता है, तो बड़ी पीड़ा होती है जब आदमी को पता नहीं होता है ना। कई बार जो अज्ञानी होता है वो ज़्यादा सुखी रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है।
आम व्यक्ति से ज़्यादा डॉक्टर को यदि बीमारी हो जाए तो ज़्यादा भयभीत होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बीमारी होने के बाद अब क्या क्या होगा, जैसे उसने पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो ज़्यादा बेचैन होता है। तो इसी तरह से जब ये बातों को हमको पता चला तो स्वामी जी ने कहा कि कुछ इसके क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। तो यह अभियान एक तरह से गौ माता को लेकर के, हमारे पशुओं को लेकर के, जो निरीह हैं, जो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं, उनको हमें पहचानना होगा, हमें समझना होगा कि उनको वास्तव में क्या चाहिए। तो उनकी पीड़ा को समझ करके यह एक स्वरूप की इनके साथ जो अन्याय हो रहा है या गलत तरह से आहार के नाम पर हम परोस रहे हैं वो रुकना चाहिए, इस भाव से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी तरह से जो PVRI की बात यदि मैं कहूँ, हमको पता चला केमिकल के विषय में आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इतने तादाद में इस देश में प्रयुक्त होता है, जो दुनिया में प्रचलित औषधियाँ हैं, केमिकल्स हैं, जो सर्वथा प्रतिबंधित हैं, दुर्भाग्य से इस देश में धड़ल्ले से आज भी बिक रही हैं, और वो इतनी हानिकारक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों में इस धरती में तो मुश्किल से 2-3% ही पौधों के अंदर वो जाता है, बाकी 98% से लेकर 97% वो पौधों से होकर के मिट्टी में, मिट्टी से होकर के पानी में, पानी से होकर के वापस पेट में पहुँचता है। कहीं ना कहीं से उन दवाइयों से हम धरती को जहरीली कर रहे हैं, धरती को जहरीली करते हुए फिर उस जहर को हम पेट में ले रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत सारे भाई शायद पंजाब से भी होंगे, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है। बहुत सारी गांव में पूरा का पूरा गांव कैंसर से पीड़ित है। ऐसे घर है कि जहां मुश्किल से कोई घर दिखाई देता है जहां किसी न किसी को कैंसर ना हुआ हो। तो कैंसर जैसे भयानक जो महामारी फैल रही है। कल आपने देखा होगा कि जो है ब्रेड जैसी जो द्रव्य, हमारे यहाँ तो बासी भोजन का तो विधान भी नहीं किया गया, कल आज बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल है कि ब्रेड खाने से 97% तक जो ब्रेड है वो सेफ नहीं है। हम तो कहते ब्रेड ही मत खाओ, वो कैंसर कारक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल डल रहा है, यानी कि अंदर से भी केमिकल, बाहर से भी केमिकल, चारों तरफ से केमिकल। फिर हम बचेंगे कैसे? छोटे छोटे बच्चे इतनी भयानक भयानक बीमारी से पीड़ित होते हैं, आते हैं माँ बाप लेते हुए, लेकर के रोते हुए विलखते हुए आते हैं। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियाँ हैं, स्किन की ऐसी भयानक परेशानियाँ हैं, उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की बहुत सारे ऐसी परेशानियाँ हैं, उनको देख करके बड़ी पीड़ा होती है। लोग आकर के ये पूछते हैं कि आचार्य जी ये बीमारी क्यों हुई, किस लिए हुई, हम उनको क्या समझाएं कि इस बच्चे का बेचारे का कोई दोष नहीं है, इस बच्चे को आने से पहले ही भगवान ने जो धरती की रचना की थी, जो सुंदर सृष्टि बनाया था, उस सृष्टि को हमने इतना विकृत कर दिया कि उस विकृति के कारण से इस बच्चे को, यानी किया हमने भुगतना उस बेचारे बच्चे को पड़ रहा है, जिसने इस दुनिया को सही ढंग से समझा भी नहीं, जाना भी नहीं, अभी आया मात्र है, तो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं जाने में, अनजाने में और अज्ञानता से। हमको इससे बचने की आवश्यकता है। हमारी ज़िंदगी तो कट जाएगी, आप लोगों की भी कट ही जाएगी, पर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा देश, कैसा समाज, कैसी दुनिया और कैसी धरती, और कैसे हम बाकी व्यवस्था को छोड़ करके जाना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है। जब कमाई करनी होती है तो लोग कहते हैं कि 7 पुश्ते तक के लिए लगे रहते हो, धन संपत्ति नोट और सारी चीज़ें, ठीक है, वो एक पक्ष हो सकता है कि बच्चों के लिए, संतति के लिए हम कुछ कमा करके जाएं, कुछ कमा करके दे जाएं, पर मैं समझता हूं कि यदि आपने बहुत सारी संपत्ति बेशक ना कमाई हो, संपत्ति धन विषय में तो शास्त्र में ऐसा ही कहा जाता है कि भया पूत तो क्यों धन संचय, भया कुपुत तो क्यों धन संचय, सही बात है। ये जितने भी लोग बैठे हैं, कोई आपने माँ बाप की संपत्ति पर ज़्यादा होगा तो भी छोड़ दोगे, कम होगा तो खो दोगे, इसलिए उस पर स्थित तो बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये हम धरती को कैसा कैसी धरती बना करके दे करके जाना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम
अज्ञानता में या जानबूझ करके भी प्रयास करें। कम से कम जैसे कई छोटे किसान हैं वो कहेंगे जी यूरिया और खाद वगैरह बिना डाले कैसे हम पैदा कर पाएंगे, कैसे उपज को बढ़ा पाएंगे। हमारा इतना सा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा करके कम करना शुरू करिए, यदि एक ऐसी स्थिति है तो। पर कम करो, धीरे धीरे उसको बंद करने का प्रयास करो। किसान भाई बहन जो कम से कम खेती बाड़ी उगाते हैं अपने परिवार के लिए, तो कुछ एरिया ऐसा बना लो जहाँ पर वो न डालो। तो यह प्रयास करने के लिए तो हमने देखा कि जो बायो वाली जो चीज़ें हैं, जो बायो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो जिसको हम लोग नेचुरल या प्राकृतिक कहते हैं, जब हमको पता चला कि उसमें भी केमिकल मिला करके बायो के नाम से बिकता है, बड़ी पीड़ा, सब जगह पर घोटाला, सब जगह पर धांधली। फिर हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए कुछ प्रयास होनी चाहिए। तो उस प्रयास के तहत पीबीआरआई के माध्यम से बायो का काम शुरू हुआ और पतंजलि ग्राम उद्योग के नाम से यह पशु आहार, चारा, दुग्ध बढ़ाने की जो प्राकृतिक रूप से चीजें हैं, औषधियां हैं, तो यह अभियान शुरू हुआ। यह पहला पक्ष था, यह जरूरी था। और उस अभियान में आप सब लोग जुड़े और आप सभी भाई बहनों के माध्यम से उस अभियान को बड़े व्यापक रूप दे करके लोगों तक जो पहुंचाने का कार्य है, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, माननीय शास्त्री जी के नेतृत्व में यह अभियान आगे बढ़ रहा है। और हमें विश्वास है कि एक जैसे पतंजलि योगपीठ ने कभी भी किसी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करी, यानी कि दूसरे लोगों ने जो किया है हमने कभी किसी की नकल नहीं की है। आज तक का उदाहरण है, चाहे आप किसी काम को देख लो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे खेतीबाड़ी करनी हो, चाहे योग सिखाना हो, चाहे आयुर्वेद का काम करना हो, चाहे ये पशु आहार और ये बायो के विषय में, हाँ इतना जरूर है कि दूसरे लोग नकल करते हैं। तो हमने मौलिक कार्य को करने का प्रयास किया है, तो उस कार्य में आप सभी सहभागी बने हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ में, यह एक सेवा का कार्य भी है, एक पुण्य का कार्य भी है, जिसके द्वारा हम इस देश में एक नई क्रांति ला सकते हैं। और बाकी जो है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद में क्या, इसके बाद में यह है कि इस अभियान के बाद में जो पशु आहार, आप पता है कि पशु आहार जो है वह पशु जो हम खाद्य जो चारा देते हैं उसका एक पार्ट है। और पशु आहार प्रायः करके जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, किसान के पास इतना साधन नहीं होता है कि सबको बहुत ढेर सारा पशु आहार दे दें, तो उस पर वो ध्यान रख करके देता है। बाकी पशुओं के लिए क्या, बाकी गायों के लिए क्या, ये एक बड़ा प्रश्न था। जब हमने उसके ऊपर अनुसंधान शुरू किया, आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, इस देश में 60% जो पशु चारा है, जिसको फोडर बोलते हैं, हरा चारा या सूखा चारा भी, उसका अभाव है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे देश के अंदर। यानी मनुष्य तो एक दिन भी भूखा रहता है तो जो है वह बेचैन और परेशान हो जाता है, परंतु हमारे गाय भैंस जो निरीह पशु हैं, बहुत सारे लोग जीव दया की बात करते हैं, परंतु इस देश में एक किसान मजबूरी में वह सबसे ज्यादा प्यार अपने पशु से करता है, सबसे महत्वपूर्ण उसको घर में बच्चों की तरह से उसको पालता है। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा साधन नहीं है कि उसको भरपेट वो भोजन भी खिला सके। 60% फोडर की कमी इस देश के अंदर है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको कौन दूर करेगा? इसके लिए भी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी है पूरे फोडर के लिए, इसके अतिरिक्त एक विभाग, उसके लिए भी हम चाहेंगे कि जो लोग उस अभियान के साथ भी आप लोग जुड़ना चाहेंगे, अभी हम उसमें अलग अलग क्लस्टर बना करके उसको कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 60% चारे का जो अभाव है, उस चारे के अभाव का कार्य भी पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से दूर करने का उपाय पतंजलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में करेगा। बहुत बड़ा काम है,
इसके साथ साथ में आज हमारी नस्लें खराब कर दी गई। गायों की नस्ल की यदि हम बात करें, आपको पता है कि जब जर्सी और होस्टन फ्रिजन जब इस देश में नहीं थे, जब हमारी देसी प्रजातियां थी, तब भी गायों का एवरेज औसतन जो दूध था वह बहुत बुरा नहीं था। 12-15 लीटर दूध एक एवरेज औसतन तब भी था। हमको यह दिखाया गया कि वो आने से ही दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां तो जितनी बही, पर उससे ज़्यादा जो नुकसान हुआ हमारी सारी देसी नस्ल को भी खराब कर दिया गया। आज जर्सी भी देसी टाइप हो गई तो मिक्स हो गया, किसानों ने ध्यान नहीं दिया और कई तरह से जितनी भी नस्ल थी। आज ऐसा कहा जाता है कि मैं पढ़ रहा था एक पूरा इतिहास को, जब अंग्रेजों का शासन था इस देश में गायों की 113 प्रजातियां थी और इन 60-70 सालों में घटते 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 अभी मात्र 3-4 प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं। बाकी जो आइडेंटिफाइड प्रजातियां हैं वो मुश्किल से 37 प्रजातियां बाकी हैं हिंदुस्तान में। सारी प्रजातियां खत्म हो गई और उनमें भी 37 में भी 4-5 प्रजातियां ऐसी हैं कि लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। हम कहाँ पहुँच गए? कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी जो गायों की इतनी प्रजातियाँ, इतनी विविधताएँ, कितनी सुंदर लगती है गाय। आप देखिए किसी भी नस्ल के हिंदुस्तानी गायों को आप देखिए, उसकी शक्ल, उसकी सीरत कितनी अच्छी लगती है। तो खत्म होने की कगार पर है। उनकी दूध की प्रक्रिया विकृत होते 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 पहाड़ों पर आप चढ़ जाओ तो वहाँ 250 ग्राम दूध देती है गाय, आधा किलो दूध देती है। और वो अलग बात है कि राजस्थान में बकरी उन्नत हो गई है, गाय तो 4 किलो दूध देती है, बकरी 5 किलो देती है। तो हमको सुधार करने की आवश्यकता है। जब यहां से हिंदुस्तान से ब्राजील में गिर गाय को लेकर के जाया जाता है, वो गिर गाय को दूध के लिए नहीं लेकर के गया गया था, वो बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये मात्र 50-60 साल पुरानी कहानी है। जो जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में मांस काटने के लिए जैसे जानवरों को ले जाया जाता है, इस तरह से उस गाय को ले जाया गया था काटने के लिए, जो अपना मांस खाते हुए ले गए। तो कुछ गाय बच गई तो वहाँ उतार दिया तो उन्होंने देखा तो बढ़िया दूध देती है। उनका ध्यान गया कि मांस खाने की जगह तो इसको तो और कुछ करना चाहिए। इतनी भावना आने से उस गिर गाय के ऊपर ब्राज़ील के ऊपर काम शुरू हुआ। और आज क्योंकि गिर नस्ल गुजरात का नस्ल माना जाता है, गुजरात की गाय है वो, मूलतः उस राजस्थान और उस एरिया की गाय है वो। तो आज महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्र गिर हैं, तो गिर गाय वहाँ पर 40 किलो तो सामान्य रूप से दूध देती है, 50 से 60 लीटर तक दूध देती है गिर गाय। और इतनी सुंदर, इतनी प्योर नस्ल को उन्होंने बनाया है। और यहाँ पर गिर गाय वहाँ 60 किलो देती है, 6 किलो देती है, गाय वही है। कुछ गाय 15-18 किलो तक भी देती है। तो हमने अपनी नस्ल को कहाँ पहुँचा दिया, उन्होंने अपनी नस्ल को कितना उन्नत समृद्धशाली बनाया। आज जो सीमन आता है गिर के लिए, उन्नत सीमन चाहिए तो हमको ब्राज़ील से मंगा करके तब लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारी गाय, हमारी संपदा परमात्मा ने हमें दी, आज हमारी गलती से, हमारी त्रुटि से, हमारी लापरवाही से आज हमसे दूर हो गई। आज ब्राज़ील से हम मंगा रहे हैं तो कल के दिन में ऐसा ना हो जाए, हमारी सारी गाय की प्रजातियां खत्म हो जाएं। मैं पीछे गया था मेडागास्कर, मैंने देखा मेडागास्कर के अंदर भारतीय देसी नस्ल की कई प्रजातियां वहां पर हैं, बहुत प्रजातियां हैं और प्योर हैं। वहाँ जर्सी मैंने एक भी गाय नहीं देखी। तो वो लोग कहीं आगे ना निकल जाएं। तो हम सिर्फ, हमारी आदत ऐसी हो गई है, हम ठीक है हमको अपने इतिहास और अतीत पर गर्व होना चाहिए, पर सब कुछ इतिहास बन जाए इसके लिए हमको कभी भी तैयार नहीं रहना चाहिए, उसको वर्तमान बना करके रखने के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। हमको सब कुछ को इतिहास नहीं बनने देना है, सब कुछ, सारा इतिहास अच्छा नहीं होता। पहले जो आक्रांता आए थे, यदि हम उसी टाइम पर देश के सामने सीना ठोक करके यदि हमारे देश विविध
टुकड़ों में नहीं बटा होता तो ये स्थिति ना होती। तो इतिहास ने बहुत कुछ बिगाड़ा भी है, तो अभी भी कई इतिहास बिगड़ने के कगार पर है। उसको हमको इतिहास नहीं बनने देना है, वर्तमान ही बना करके रखना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था गायों की नस्ल के सुधार के लिए सुधीर स्वामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा अभियान अभी पतंजलि योगपीठ शुरू करने जा रहा है। हम सब नस्लों के ऊपर काम करेंगे, सब नस्लों के सुधार के लिए हम बात करेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी नस्ल है जो दूध के हिसाब से, क्योंकि कुछ कुछ नस्लें अलग अलग क्षेत्र के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं, तो कौन से एरिया के लिए कौन सी नस्ल ज़्यादा मुरीद है, ज़्यादा लाभकारी है, उस हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। एक दो कुछ एक्सपेरिमेंट हम वहाँ आसाम में भी कर रहे हैं, बड़े लेवल पर अभी गाँव गौशाला भी अपनी बन चुकी है, हरदर में गौशाला है। सुधार के अभियान में भी हम लोग विगत 12-15 वर्षों से काम 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आज पतंजलि की गौशाला में आप लोग जाकर के देखेंगे 20 किलो से लेकर के अभी एक गाय ने महाराज जी 28 किलो दूध दिया है, तो देसी गाय भी यहाँ भी दे रही है 28 किलो दूध, क्योंकि अभी पशु आहार पहले तो 20 किलो दे रही थी, तो पतंजलि पशु आहार खा के 28 किलो हो गया। तो आपके लोगों के लिए भी उदाहरण है, पशु आहार बेचें तो पतंजलि की गाय लगा लेना, बोले पहले 20 किलो देती थी, खा के 28 किलो कर लिया, लगा रखी है। तो आजकल हर जगह पर है ना, लोगों की आदत है ब्रांडिंग के लिए, वो हीरो हीरोइन चाहिए ना, हमारी गाय भी हीरो है इसके लिए, उसका लाभ लो आप। ये नस्ल का जो कार्य है ये एक बहुत बड़ा कार्य है। तो नस्ल कैसे सुधरे, नस्ल सुधारने की एक प्रक्रिया है, पर उसके साथ में आहार भी उसी तरह का चाहिए गाय को। तो ये सर्वांगीण रूप से पशु के प्रजातियों के सुधारने के लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है, और पशु आहार के विषय में जैसे मैंने चारे के विषय में कहा आपको, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। और गौशाला भी हम जैसे हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी गौशाला बन रही है, राजस्थान में अभी एक योजना है, मध्य प्रदेश में योजना है, हम देश में कई भागों में देखिए गौशाला, जिस तरह की गौशालाएं आज हैं देश के अंदर, वो इमरजेंसी के लिए जरूरी है। जो गाय कट रही हैं, कत्लखाने में जो जा रही हैं, उनको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु उसका दूसरा पहलू यह भी है कि स्वस्थ आदमी को हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता, सिर्फ गौशालाओं के खोलने से गायों की रक्षा नहीं हो सकती है। गायों की रक्षा करने के लिए हमको गायों की नस्ल सुधार करना जरूरी है। गायों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि वह अपना संरक्षण नहीं, वो हमारा संरक्षण करने में सक्षम है, यह हमको पता होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि गायों की रक्षा हम करेंगे। अरे गायों की रक्षा हम नहीं करेंगे, गाय हमारी रक्षा करेगी, सिर्फ गायों की सेवा हम करेंगे। सेवक बनो, रक्षक मत बनो। यदि हम सच्चे सेवक बन गए तो वह दिन दूर नहीं है गाय हमारी रक्षा करेगी। लोगों ने प्राचीन काल से गांव में हमारे यहाँ कहावत है, कहते हैं ना कि गाय के दूध में स्वर्ण का अंश होता है, घी में सोना होता है। यह बात भी हम लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है। हमने अभी लैब में पीछे सारी गौमूत्र को लेकर के भी हमने प्रयोग किए हैं, गौमूत्र से सोने को हमने अलग किया है। सोना के जो तत्व हैं वो होते हैं, ये पहले से था, पर उन तत्वों को कभी भी किसी ने आइसोलेट नहीं, उसको सेपरेशन नहीं किया था, हमने सेपरेट कर दिया उसमें से। ये बड़ी बात है, इसको समझिए आप। एलोपैथिक में भी जो स्वर्ण अंश से युक्त जो दवाइयाँ होती हैं सबसे और विशेष मानी जाती हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण वाली औषधियाँ महंगी होती हैं क्योंकि सोना महंगा है, और जो सोने को गला करके भस्म आदि प्रक्रिया से जो बनाई जाती हैं दवाइयाँ,
उसको क्या कि उसको डायल्यूट करना पड़ता है, उसको सूक्ष्मीकरण करना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया है, फिर भी उतना सूक्ष्म नहीं होता है। और गोमूत्र के अंदर सुवर्ण का वह अंश होता है कि वो अपने आप ही बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है, वो जाकर के बॉडी के अंदर जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है और डायल्यूट हो जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। वो हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। यदि सोने का भस्म आप खा लें तो हो सकता है कि शरीर के अंदर में बहुत थोड़े से अंश में शरीर उसको ग्रहण कर लें, बाकी मल से निकल जाए। परंतु यदि गोमूत्र और गोदुग्ध यदि आप पान करते हैं तो वह शरीर को लगता भी है और जाकर के हमारे सारे सिस्टम को भी ठीक करता है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता और हम काम कर रहे हैं और दुनिया को आने वाले समय में हम बताएंगे। फिर हमको लगा कि गोमूत्र में है तो बाकी मूत्रों में भी तो हो सकता है, तो हमने बहुत सारे मूत्र इकट्ठे करे, भेड़, बकरी, ऊंट और गधा, भैंस, आदमी, मतलब सब, तो नहीं मिला किसी के पास। और भगवान ने गाय को देकर भेज रखा है। और दूसरी चीज, गाय को यदि आप कुछ भी खिला देते हैं, ये गाय के अंदर ही यह शक्ति है कि वह सारे जो पॉइजन है, सारे जो अलाभकारी तत्व हैं, उनको गोबर के माध्यम से या उस शरीर में, शरीर के माध्यम से वो उसको हजम कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो पॉइजन को उसके में नहीं आने देती है, ना मूत्र में आने देती है, ना दुग्ध में आने देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जो सूर्य नाड़ी है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, वह गाय के शरीर में बहुत प्रबल है। मनुष्य को तो सुषुम्ना जगाने के लिए कुंडलिनी जागरण करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, पर गाय की सुषुम्ना जगी हुई है, इसलिए उसको जागृत देवता के रूप में हिंदू धर्म में माना जाता है, वो ऐसे ही नहीं माना जाता है। तो इतनी शक्ति है, इतनी वहां पर इतनी सकारात्मकता है। आपने देखा होगा गाय घर में होती है ना, आजकल ना ये वास्तु ज्योतिष तंत्र मंत्र बड़ा बहकाने का और बहकने का काम बड़ा चलता है। बहुत जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही जो लोग हैं ना, उतने बहकावे में आते रहते हैं। बड़े बड़े बाबाओं की और बाबियों की दुकानें बड़ी चल रही हैं आजकल, क्योंकि आदमी भयभीत है, परेशान है। किसी से पूछो, यदि उसको कुछ हो भी नहीं रहा होगा, परेशान बैठा होगा, हम पूछें कि भाई क्यों परेशान है, तो कई तो ऐसे भी मिलते, बोले जी परेशान तो हूँ भाई, ये पता नहीं कि किस लिए परेशान हूँ, बताओ उनका क्या करें। मतलब उसको भले को ये पता नहीं, भले मानस को वो परेशान है, पर वो किसके लिए परेशान है उसको नहीं पता है। तो इतनी भयानक स्थिति देश की है, दुनिया की है। तो लोग बैठे हैं, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई कृपा बरसा रहा है, कोई और कुछ कुछ कर रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। और हर रोज़ वास्तु की दुकानें सजी पड़ी हैं। यदि तुम्हारे घर में गाय है ना, समझ लेना तुम्हारे घर में शांति का स्रोत अपने आप बहने लगेगा। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, समझ लेना जितने भी बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम है, जितने भी वास्तु हैं, वो ठीक हो जाएंगे। देख लेना, करके तो देखो। घर में तुलसी का पौधा लगाओ, जड़ी बूटियों के पौधे लगाओ, घर में गाय पालो, गाय की सेवा करो, और फिर भी तुम्हारे घर में शांति नहीं है ना, तो थोड़ा सा तप, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा ध्यान करो, स्वामी जी जैसा बताएं वैसा कर लो, फिर भी यदि शांति नहीं है तो कहीं से भी नहीं आने वाली, कितने भी भटक लो। तो इसीलिए योगासन करिए, प्राणायाम करिए, गायों की सेवा करिए, गायों का दूध पीजिए, और जो है तुलसी आदि घर में लगाइए। यदि आप गायों की सेवा करने में, आपके घर में गाय नहीं है, नहीं रख सकते हैं, 7 दिन में 15 दिन में किसी आसपास में गौशाला में जाइए, गायों को हाथ फेर दीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, गाय के शरीर में हाथ फेरने मात्र से भी आँख की रोशनी बढ़ती है। ये एक अद्भुत एक सत्य है, पर वो जर्सी के फेरना मत, उसमें घटती है, पर अभी रिसर्च नहीं किया, वो करेंगे। तो वो ये भी ये इस जिन चीजों का जहाँ पहले से हमारे पूर्वजों ने कहा है, भगवान कृष्ण के लिए भी तो यही कहते हैं कि अग्रतय में गाव संतु, पृष्ठतय में गाव संतु, गावा मध्य बसा में हम ऐसे कुछ हैं।
भगवान कृष्ण ने, हम मानते हैं भगवान कृष्ण को भगवान की तरह पूजा करते हैं, ठीक है, उनको श्रद्धा करते हैं, भावना करते हैं, महापुरुष थे, भगवान थे, योगी थे, सब कुछ थे, पर उनकी बात को तो हम नहीं मानते। उन्होंने तो कहा था कि मेरे आगे भी गाय हों, मेरे पीछे भी गाय हों और गायों के बीच में मैं बास हूँ। तो जो चाहत ऐसी रखते थे, तुम तो भगवान के चेले हो, भगवान तो नहीं हो, तुमको तो कम से कम उससे ज़्यादा ही चाहत रखनी चाहिए, मेरे पीछे भी सौ, आगे भी सौ हों, पीछे भी चारों तरफ हजारों गाय हों, ये भावना हमको भी तो रखनी चाहिए। तो आपको अच्छा मौका मिला है गायों से जुड़ करके सेवा करने का और गोधन के संरक्षण का, संवर्धन का, उनको अच्छा आहार मिलेगा, आपको आशीष प्राप्त होगा, वो स्वस्थ होंगी, देश निरोग होगा, वो स्वस्थ गाय का स्वस्थ दूध पी करके न जाने कितने परिवारों में खुशहाली आएगी, न जाने कितनी बीमारियों से वो बचेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। पुण्य केवल कोई आया, हमने 100-200 रुपये, 1,000,000 रुपये दान कर दिया, उससे नहीं मिलता है, उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में गायों को भी हम जीवन दे रहे हैं और गायों के माध्यम से लोगों को भी जीवन दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए इस काम को बहुत अच्छी तरह से करना, पूरी मुस्तैदी के साथ करना, पूरी दृढ़ता के साथ करना, क्योंकि कार्य की व्यवस्था में कहीं कहीं पर कभी कम्युनिकेशन में किसी चीज़ में थोड़ी गैप हो जाती है, प्यार से सुलझा लेना, क्योंकि कभी कभी चिट्ठी पत्री हमारे पास भी आ जाती है, तो वो ना हो, आराम से काम करिए। और पशु जो चारे की बात हमने की है, उसको भी बहुत बड़े लेवल पर करना है। यशपाल जी उस कार्य को देख रहे हैं, उसके जो स्वरूप के विषय में भी शास्त्री से हम अभी कह करके एक सत्र में आपको जानकारी देंगे। उस अभियान से भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिन जो उसके लिए क्या है कि जगह चाहिए, किसानों से लीज पर लेकर के हम खड़ी फसल लेकर के उसको जो फोडर के रूप में हरे चारे को मिनरल डाल करके उसको फर्मेंटेशन करा के बड़े लेवल पर पैक होता है, वो 200-200 साल तक खराब भी नहीं होता है, तो वो वितरण का भी काम बड़े लेवल पर करना है, पर बनाने का कार्य भी पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर करना है। तो उसके लिए भी हम आपको एक सत्र में एक 2-3 घंटे की सेशन, उसके क्वेश्चन आंसर भी रख देंगे। तो यह बड़ा कार्य गायों के संरक्षण संवर्धन और इन गायों को पुनः प्राचीन काल की स्थिति पर पहुंचाने का कार्य भी आप सबके सहयोग से पतंजलि योगपीठ करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और आने वाले समय में पूरा देश देखेगा। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं, हमारी तो इतनी इच्छा थी, हमने कहा कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना, यदि चारों धाम करने ना जाओ तो जो तीर्थ करके आया हुआ आदमी को देखने से भी पुण्य मिल जाता है, तो हम तो आपकी शक्ल देखने के लिए आए कि हमको भी थोड़ा पुण्य मिल जाए, कि सही में सेवा कर रहे हो तो कुछ हमको भी मिले, हम तो इसलिए आए। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोग खूब काम करिए, श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद आपके साथ है, शास्त्री जी जैसे कर्मठ पुरुषार्थ नेतृत्व का आपको साथ है, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं रहते हैं, और उनकी बेचैनी शांत करने का एक ही उपाय है कि तुम अच्छी तरह काम कर लो, नहीं तो फिर उनकी बेचैनी जो है वो तुमको भी बेचैन कर देगी, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, इतने समझे रहो और बढ़िया काम करो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्य है इसमें अभी एक बहुत बड़ी गौशाला, आदर्श गौशाला हम उसको बोल सकते हैं। अभी जब गाय के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे महर्षि दयानंद का जब आगमन हुआ करीब 150 साल पहले, तो लोग कहते थे वेद तो जर्मनी वाले ले गए, अब वेद चाहिए तो बोले जर्मनी से लाने पड़ेंगे, और सच में जर्मनी से भी वेद मंगवाए गए। जिस देश ने पूरी दुनिया को गाय दी, आज उस देश को ब्राजील से गाय लानी पड़ रही है। माने जो गोपूजक देश था, वेद का उपासक देश था, ऋषियों की संतान थी, उसकी पहचान कहीं और चली गई है। तो आज कोई किसी को गाय के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले वो ब्राजील का नाम लेता है। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों में
कि किसी को भी गाय के ऊपर बात करने और गाय के ऊपर काम करना हो तो ब्राजील की बात ना करे, वो हरिद्वार की बात करे, वो हिंदुस्तान की बात करे। और इसके लिए अब एक बहुत बड़ी आदर्श गौशाला, उसमें फिर भ्रूण का सिलेक्शन, भ्रूण का प्रत्यारोपण, गायों की नस्ल का सुधार, उन गायों की ब्रीड का सिलेक्शन, फिर उनको जो है उनके संपूर्ण आहार का पोषण, उनको वैसा पूरा वातावरण, ये एक दिशा से काम करने से बात नहीं बढ़ती, अनेक दिशाओं से काम करना पड़ता है। तो एक गो अनुसंधान और गो संवर्धन केंद्र हरिद्वार में, और इसके साथ साथ जैसे आदि शंकराचार्य जी ने चार पीठ बनाई थी, ऐसे कम से कम हिंदुस्तान में चार दिशाओं में तो ऐसे बड़े गो अनुसंधान और गो संवर्धन केंद्र बनेंगे, तो उनसे अनेक दिशाओं से जब काम होगा तो लाखों गायें हर साल लोगों को मिले। आज किसी को अच्छी गाय लेनी है तो अच्छी गाय की नहीं मिलती उसको कि मुझे 25-50 किलो दूध देने वाली गाय चाहिए, तो आप ढूंढ लोगे हिंदुस्तान में तो कहीं 50-100 मिलेंगे आपको मुश्किल से, बात हो गई है। तो एक ऐसी भी योजना बनाई है कि आने वाले समय में थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, कि हर साल 5-10 लाख ऐसी बछड़ियां मिल सके जिनको लोग पाल करके खुशियां मना सके, उनको लगे कि मैंने कोई अच्छा काम किया। आज गाय पालना तो चाहते हैं, उनको अच्छी नस्ल की गाय नहीं मिलती, अच्छी नस्ल के कुत्ते मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के गधे मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के और कई तरह के जीव जंतु मिल जाते हैं। अभी बात कर रहे थे जो है जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों के बचाने की, आज जो है कि भाई शेर की प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, हिरण की प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, ऐसे अलग अलग चिड़ियों की प्रजाति, मोरों की प्रजाति, उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। अब पूरे देश में क्या होता है, हमारे यहां ना जो है सब चीजों को हम धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से ले लेते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। अरे भाई राष्ट्रीय प्राणी को बचाने का भी तो कुछ काम कर लो। अब फिर सब लोग जो है ना दूसरों के ऊपर बात को डालने में बड़े खुशियां मनाते हैं, बोले जो है मोदी जी को गाय की रक्षा करनी चाहिए। हाँ मोदी जी को फिर गाय भी पालनी चाहिए, दूध भी निकालना चाहिए, थारे बाड़ों को चाहिए, सारे काम मोदी जी करेंगे, कुछ खुद भी तो कर ले। तेरे खेत में हल भी मोदी जी चलाएंगे, तेरा बाजरा गेहूं मकई भी मोदी जी बोएंगे, तेरी फैक्ट्री भी मोदी जी चलाएंगे, तुम्हारे पतंजलि किसान सेवा केंद्र में जो है तुम्हारा पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार और फीड सप्लीमेंट भी मोदी जी बेचेंगे, ये तुम्हारा जो है PBRI का जो खाद है मोदी जी बनाएंगे, मोदी जी बेचेंगे। नेताओं का काम नीति बनाने से है, वो अच्छी नीयत से अच्छी नीतियां बनाए और अच्छा नेतृत्व देश को दे दें, बाकी काम तो 125 करोड़ हम हिंदुस्तानियों को करना है, अपने हाथों पर हमको भरोसा होना चाहिए। तो इस तरह से कई दिशाओं में अपने को काम करना है, वो अपना काम करते रहे, हमें अपना काम करना है। तो गाय को बचाने की दिशा में भी, गाय को आगे बढ़ाने की दिशा में भी, गाय को पूजा, गाय को सम्मान, गाय को गौरव दिलाने के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा काम करना है। तो ये तो अभी मैंने कहा था एक आधारशिला तैयार हुई है पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार और डिफरेंट फीड सप्लीमेंट्स आदि के रूप में, और इधर PBRI के जो अलग अलग उत्पाद हैं कुदरती खेती की दिशा में इस देश को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में हम जो कार्य कर रहे हैं, ये मात्र उसका भी एक फाउंडेशन पड़ा है। अभी आगे बहुत यात्रा लंबी जाएगी, और मैंने कहा था पतंजलि की ये जो स्वदेशी की से देश की समृद्धि की और सेवा की जो उड़ान है, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। आप और हम सब मिलकर के इस देश को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे, और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से हम एक परम वैभवशाली भारत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज के इस सत्र को विश्राम देते हैं। मेरे साथ सभी हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ओंकार सत्र को विश्राम देंगे। ओ